हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू नॉक टीवी। आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट आर द थ्री यूजेस ऑफ फ्रेंच। आपको पता है कि फ्रांस एक कंट्री है। फ्रांस इज नेम ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री का नाम है फ्रांस, और जो फ्रांस में लोग रहते हैं उन्हें कहते हैं फ्रेंच, दी फ्रेंच। चूँकि जो कौम होती है ना, कौम, कोई भी नेशन, मुस्लिम है तो दी मुस्लिम, हिंदू है तो दी हिंदूज, सिख है तो दी सिख्स, अगर फ्रांस में रहने वाले हैं तो दी फ्रेंच। तो एक तो उसको कौम को हम कहते हैं दी फ्रेंच कौम, और जो फ्रांस में लैंग्वेज बोली जाती है उसे हम कहते हैं फ्रेंच लैंग्वेज। एक तो ये लैंग्वेज हो गई है और एक हो गई है कौम। कौम के साथ मैंने आपको कहा है दी लगता है, मैं भी आपको लगा के दाता। फ्रेंच देखें, फ्रेंच इज द लैंग्वेज ऑफ द फ्रेंच। ये भी फ्रेंच है, ये भी फ्रेंच है, लेकिन ये दी के साथ है। मैंने अभी भी आपसे कहा है कि कौमों के साथ दी लगता है, ये लैंग्वेज के साथ दी नहीं लगता। इंग्लिश के साथ दी नहीं लगेगा, उर्दू के साथ दी नहीं लगेगा, पंजाबी के साथ दी नहीं लगेगा। फ्रेंच जो है ये ज़ुबान है, लैंग्वेज है, यहाँ ये ज़ुबान है लैंग्वेज, और ये कौम है, ठीक है। तो फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो ज़ुबान है फ्रांसीसियों की। दो यूज़ तो ये हो गए, एक एज अ ज़बान लैंग्वेज और दूसरा एज अ कौम। तीसरा देखें, ही ज्वाइंड फ्रेंच आर्मी, उसने फ्रेंच आर्मी ज्वाइन कर ली। देखिए आर्मी नाउन है, और जो नाउन को क्वालिफाई करे वो क्या होता है, एडजेक्टिव तो होता है। इसका मतलब तीसरा फ्रेंच का यूज़ है एडजेक्टिव। तो आपने देखा फ्रेंच कितने तरह से यूज हुआ, थ्री टाइप्स, एक एज अ लैंग्वेज, एक एज अ कॉम, और एक एज अ एज एन एडजेक्टिव। और जो फ्रांस खुद है वो एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि कंट्री का नाम है, और जो प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनता है उसे हम कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। तो ये जो एडजेक्टिव है इसे हम कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।